तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से और हैदर अली के लॉयर के दिए गए बयान के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस वक्त पर सीमा जो है वो टॉर्चर में, उन्हें कैदी बनाया हुआ है, उन्हें मारा जा रहा है, वो यहाँ पर पाकिस्तान आना चाहती हैं, जिस पर हमने कहा था हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी जब उनकी हमने बर्थडे वाली वीडियो देखी, उससे बड़ा वाजे होता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। वो चिल मार रही हैं, मस्ती में डांस कर रही हैं, और 5 मिनट के लिए तो मैं भी खो गया। मैंने कहा इतना ज़बरदस्त डांस देखने के लिए मुझे अब इंटरटेनमेंट की और ज़रूरत नहीं है, मैं ये देख लूँ। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैं हैदर अली की मासूमियत कहूँ या हैदर अली को बिल्कुल भोला कहूँ कि पूरा दिन वो सोशल मीडिया पे बैठ के मोशन डिजिटल के साथ वीडियोस बनाते हैं, कि जबकि एमन रिजवी ने उनको ऑफ़र की थी कि 500 लॉयर की टीम मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप इंडिया में आओ, केस वहाँ करना चाहिए था, केस यहाँ किया गया। इसका मतलब हम जो इंडियन दोस्तों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको सच दिखाएंगे, तो हम भी शायद सच रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने कॉल पर कायम है, हमने सच दिखाना और सच बताना है। कि अब आवाम फिजिकली तौर पर देखना चाहती है, ना कि वर्बली तौर पर जस्ट बातें की जाएं। अब ये वक्त था कि हैदर अली को इंडिया जाना चाहिए था, या एमन रिजवी से राबता करना चाहिए था, या वहाँ के किसी भी लॉयर से राबता कर वहाँ पर पिटीशन दायर करनी चाहिए थी, ताकि वो लॉयर वहाँ पर केस को देखता। यहाँ पर सिर्फ फर्जी बातें होती रही और केस कुछ भी ना हुआ। बात हमने जिस स्टैंड के तहत बात की थी वो ये थी, जिस पर स्टैंड किया कि हैदर अली को उसके बच्चे मिल जाएँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बातें चल रही हैं। हैदर अली कैमरे के आगे बैठ के आंसुओं के साथ सीमा को नाचते हुए देख रहे हैं, और उसके बाद वो देख रहे हैं कि जब जनाब सीमा जो है वो डांस कर रही है और अपने YouTube चैनल को प्रमोट किया जा रहा है। पर हकीकत में सच कहाँ पर है, सच कौन दिखा रहा है? यहाँ पर फर्जी बातों के अंदर आवाम जो चाहती है, जिनकी मोहब्बतें हैदर अली के साथ थी, अब वो भी मायूस हो चुके हैं कि अब इसमें सच्चाई कहाँ पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के वो दोस्त जो इस वक्त पर सीमा के मामले में सीरियस है और वो चाहते हैं कि हैदर अली को उसके बच्चे मिल जाएं, तो आप भी ये डिमांड करें हैदर अली से कि अब वो यहाँ पर आएँ। वहाँ से सऊदी से बैठ के वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होने वाला, फिजिकली तौर पर आए, वरना खामोश हो जाएं। क्यों आवाम आवाज़ उठाए, क्यों उसके लिए बात करे? इसलिए ज़रूरी है कि अब फिज़िकली अपेयरेंस के लिए वो वहाँ जाएँ, या अपने लॉयर के साथ वहाँ पहुँचें, चाहे वीज़े का हो, यहाँ से भले वो लॉयर रखें, लेकिन वहाँ पर भी एक लॉयर हायर किया जाए जो हैदर अली के केस को देखे। अगर आप हमारी राय से मुत्तफिक हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इससे इसके बाद हम आपसे एक दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अपनी राय के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा कॉन्टेंट सिर्फ़ और सिर्फ सीमा नहीं रहेगा, हम पीस का पैगाम लेकर आगे जा रहे हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम्स वहाँ पर भी सुकून से रहें, यहाँ पर भी सुकून से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहें, नफ़रतें ना हों, मोहब्बतें हों। तो आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।